rfi.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। महंगाई के मुद्दे पर आज राजद पटना की सड़कों पर जमकर बवाल मचाया। हाथ में रसोई गैस के सिलेंडर लेकर महंगाई के खिलाफ राजद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि महंगाई बेकाबू हो गई है और सरकार इस पर रोक लगाने में नाकाम है। राजद कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। ₹50 की सीधे वृद्धि की गई है। यह केंद्र सरकार की मंशा को बताती है और हर दिन 80 पैसे केवल देखने में तो लगते हैं 80 पैसे, लेकिन हर दिन डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार आज चौथा दिन है जब वृद्धि की गई है। इसके खिलाफ युवा कांग्रेस आज सड़कों पर है और मांग करता है कि जिस तरह से आप चुनाव में लोगों को रिझाने के लिए, लोगों को भ्रम में डालने के लिए आपने पूरे दाम को नियंत्रण में रखा, आज भी आप अडिग रहे हैं उसी नीति का पालन करें, जनता को बेवकूफ ना बनाए और तत्काल जो आपने मूल्य वृद्धि की है उसको वापस लें। आज हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया है। राज्य के सभी जिलों में इस तरह के प्रदर्शन हुए हैं, देश में सभी राज्य स्तर पर इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। आज युवा कांग्रेस पूरे देश में सड़कों पर है और हम मांग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से कि आप तत्काल इस मूल्य वृद्धि को वापस लें। ये तो जनता बताएगी क्या था पेट्रोल डीजल का दाम, क्या था LPG सिलेंडर का दाम। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, आम जनता युवा सभी परेशान है। क्या इसी को अगर अच्छे दिन कहते हैं तो ऐसे अच्छे दिन मुबारक हो नरेंद्र मोदी जी को। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।